हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेटिंग लेसन, जिसमें हम आपको आज ये दो रंग का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। टू कलर का ये डिज़ाइन है, बबल्स डिज़ाइन है। और देखिए, इसमें इस तरह से ये जो कलर्स बबल्स हैं इस तरह से आते चले जाते हैं। बहुत सुंदर ये डिज़ाइन लगता है। आप इसे किसी भी स्वेटर पर या वुलन प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह से ये डिज़ाइन बहुत सुंदर बनता है। तो आइए आज हम इसे बनाते हैं। इसके लिए जो फंदे हमें लेने हैं वो चार चार के मल्टीपल में लेने हैं, जैसे कि 24, 32 या 36 या 44, इस तरह से। और जितने फंदे हम लेंगे उसमें प्लस 3 कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 36 फंदे लिए हैं और प्लस 3 करके वो हमारे फंदे 39 हो गए हैं। तो इस तरह से हम फंदे लेंगे। और ये देखिए, ये डिज़ाइन का हमारा राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो ये रॉन्ग साइड से डिज़ाइन स्टार्ट होगा और उसी कलर से स्टार्ट होगा जिस कलर से हमने बॉर्डर बनाया है। जैसे कि इसमें हमने अगर क्रीम कलर से बॉर्डर बनाया है तो ये डिज़ाइन क्रीम कलर से ही स्टार्ट होगा, दूसरे रंग से नहीं। अगर रेड कलर से बॉर्डर बनाया है तो रेड कलर से स्टार्ट होगा। ये डिज़ाइन जिस कलर से भी हम बॉर्डर बनाएंगे सबसे पहले उसी से बनेगा, तब जाकर इसमें दूसरा कलर अटैच होगा। तो पहले हमने इसमें ये डिज़ाइन जो है क्रीम कलर से डाला है और फिर इसमें हमने रेड कलर अटैच किया है। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए, हम क्रीम कलर की रो पे हैं। तो ये हमारी पहली सिलाई है जो हम अब बनाएंगे। ये डिज़ाइन की पहली सिलाई है जहाँ से हमें इसे स्टार्ट करना है। देखिए, इस पहली सिलाई में हमें सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। क्रीम कलर से सारे फंदे, 39 फंदे जो हमने डाले हैं, इन सबको हम उल्टा बुन लेंगे। ये फर्स्ट रो है। और जैसा कि हमने अक्सर डिज़ाइन में देखा है, जिस कलर से हम बॉर्डर बनाते हैं उससे दूसरा कलर हम डिज़ाइन को स्टार्ट करने में यूज़ करते हैं। लेकिन इस डिज़ाइन में जिस कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे उसी कलर से ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। देखिए, सारे के सारे फंदे, जो 39 फंदे हैं, सबको हम उल्टा बुन के ये फर्स्ट रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम सेकेंड रो में हैं। सेकेंड रो में भी हमें सारे फंदों को सीधा बुन लेना है। पहली पांच सलाइयाँ इस डिज़ाइन में बिल्कुल सीधी और उल्टी हमें डालनी है। तो पहली सलाई हमने उल्टी डाली, दूसरी हम सीधी डाल रहे हैं, तीसरी सलाई हम फिर से उल्टी बुनेंगे, सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे तीसरी सलाई में भी, फोर्थ सलाई में फिर सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। इसी कलर से, सेम कलर से हमें ये पाँच सलाइयाँ डालनी हैं और सीधा और उल्टा बुनना है। तो ये सेकेंड सलाई है, इसमें सारे फंदों को हम सीधा बुनते जा रहे हैं और इसी तरह बुनते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पहली दो सिलाइयाँ पूरी होने के बाद अब हम तीसरी सिलाई में हैं और इसमें हमें सारे फंदों को उल्टा बुन लेना है। पहली पांच सिलाइयाँ सिंपल बनानी है और छठी सिलाई में हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। सिर्फ इसमें छठी सिलाई, सिक्स्थ रो और ट्वेल्थ रो में ही डिज़ाइन डलेगा। उसके बीच की सारी जो सिलाइयाँ हैं, सारी जो रो हैं, वो सिंपल डलेंगी। चलिए, इसे कंप्लीट हम कर लेते हैं तीसरी सिलाई को। ये थर्ड रो के बाद अब हम फोर्थ रो में हैं और इसमें हमें सारे फंदों को सीधा बुन लेना है। सारे फंदों को सीधा करते हुए हम इस फोर्थ रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। पहली चार सिलाइयां इस डिजाइन की हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और पांचवी सिलाई में भी हमें सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। बहुत इजी ये डिज़ाइन है। 12 सलाइयों में से 10 सलाइयाँ तो इसमें बिल्कुल सिंपल, सीधी और उल्टी ही डल जाती हैं। सिर्फ दो सलाइयों में इसमें डिज़ाइन डलता है और वो भी बहुत इजी सा। चलिए, इस पांचवी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, पहली पांच सलाइयाँ हमारी इसकी डिज़ाइन की जो हैं वो डल चुकी हैं। देखिए, इसके बाद ये ऐसा लग रहा है सिंपल, हमने ये पांचों सलाइयाँ बनाई हैं। अब छठी सलाई है, इसमें हमें डिज़ाइन भी डालना है और कलर भी चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए हम जो सेकंड कलर हैं उसे इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारा पहले से अटैच हुआ हुआ है क्योंकि हम पहले से इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर हमें ये दूसरा कलर अटैच करना है। यहाँ पर अब हमें रेड कलर से बुनाई करनी है। तो पहले तीन फंदे हम रेड कलर से बुनेंगे। अगर आप इस डिज़ाइन की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना दूसरा कलर, सेकंड कलर जो है
जो आप बुनाई के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अटैच करना होगा। और पहले 3 फंदे आप उस कलर से बुन लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो फोर्थ फंदा है इसको हमें कैसे बुनना है, इसको हम उतार देंगे। ये देखिए सिलाई में से हमने इसे उतार दिया और अब हमें इसे वापस जो बुना हुआ फंदा है उसे उधेड़ना है और 4 धागे हमें इसके निकाल लेने हैं। तो सबसे पहला धागा निकाल देंगे, ये देखिए एक धागा निकल गया। अब ये दूसरा धागा निकल गया, ये तीसरा, और एक और निकालेंगे। ये देखिए ये 4 धागे हमने निकाल लिए। और जब ये फंदा, अब ये नीचे वाला बचा है, देखिए 4 धागे ये हैं, देखिए इस तरह से ये 4 धागे हैं, ये सिलाई में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमने इसमें से निकाल दिए। ये देखिए सारा उधड़ गया है यहाँ से ये फंदा। और जब ये पांचवा फंदा है इसको हमने सिलाई में अटैच कर लिया, सिलाई में इसको ले लिया। अब ये जो 4 धागे हैं इनको भी हम सिलाई के ऊपर ले लेंगे, देखिए इस तरह से, और इन्हें अब हम सीधा बुन देंगे सबको। ये 5ों धागे जो हैं इनको हम सीधा बुन देंगे, देखिए इस तरह से, कुछ नहीं करना है बस इनको बुन देना है सीधा। और इनको सीधा बुनने के बाद अगले 3 फंदे हमें सिंपल बुनने हैं, 1, 2 और 3, देखिए इस तरह से बुन दिए हमने। अब हम फिर से इस 4th फंदे को उधेड़ेंगे, देखिए निकाल दिया। अब 4 धागे उधेड़ने हैं हमें, 1, 2, 3 और एक और उधेड़ना है, ये देखिए 4। 4ों धागे उधेड़ने के बाद ये जो फंदा बचेगा इसे सिलाई में ले लेंगे। ये हमारा फंदा नहीं उधेड़ना चाहिए, ये 5वां फंदा है, इसको उधेड़ेंगे तो ये नीचे वाला यहाँ पर जहाँ से रेड कलर से अटैच हुआ था ये आ जाएगा और डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इन 4ों धागों को भी सिलाई के ऊपर लेंगे, देखिए 5, अब हमारी सिलाई के ऊपर 5 धागे हैं, 1 ये फंदा और 4 ये धागे, इनको सबको सीधा बुन देंगे। देखिए ऐसे अगले 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे और फिर से 4th फंदा हमें इसी तरह से उधेड़ना है जैसे हमने पहले 2 उधेड़े हैं। देखिए इसको हम फिर से ऐसे ही सीधा बुन देंगे और अगले 3 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। बहुत इजी ये डिज़ाइन है, एक बार की प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये पता चल जाएगा कि इसको हमें कैसे उधेड़ना है और बहुत इजीली आप इसे बना पाएंगे। देखिए इस तरह से अगले 3 फंदे सीधे और इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 3 फंदे सीधे बुनकर और जो 4th फंदा है उसे नीचे तक उधेड़ के डिज़ाइन के साथ हम उसे बुनेंगे और इसी प्रोसीजर के साथ इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन की 6th रो है, तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब ये 6th रो हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है और अब ये देखिए यहाँ पर ये बबल्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं क्रीम कलर में। अब इसके ऊपर हमें ये रेड कलर के बबल्स बनाने हैं। तो रेड कलर के बबल्स बनाने के लिए पहली 5 सलाइयाँ हमने जैसे क्रीम कलर में डाली थी इसी तरह से अब इस रेड कलर में डालेंगे 5 सलाइयाँ। पहली सलाई उल्टी तरफ से, रॉन्ग साइड से, उल्टी उल्टी सारी, फिर सीधी साइड से 2nd रो, 3rd रो रॉन्ग साइड से, 4th रो फिर से राइट साइड से और 5th रो रॉन्ग साइड से। ये 5 सलाइयाँ बनाने के बाद हम जो है रेड कलर में बबल्स बना पाएंगे। तो चलिए पहले ये 5 सलाइयाँ हम बना लेते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल सिंपल सीधा और उल्टा बुनना है। उल्टी साइड से हमारी ये गिनती स्टार्ट होगी, तो ये हमारी पहली सिलाई है। चलिए ये 5 सलाइयाँ हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम रेड कलर में बबल्स बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी 5 रो जो हमें रेड कलर से डालनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। रॉन्ग साइड से हमने स्टार्ट किया था और 5 रो डालने के बाद अब हम देखिए राइट साइड में आ गए हैं।
अब राइट साइड में अब हमें इसमें बबल्स बनाने हैं। तो जब हमने क्रीम कलर के बबल्स बनाए थे तो रेड कलर का यूज़ किया था, अब रेड कलर में बबल्स बनाने हैं तो क्रीम कलर का यूज़ करेंगे। और जैसा देखिए आप नीचे देखिए, जहाँ पर हमारा क्रीम कलर का बबल्स है, जो रेड कलर का बबल्स है वो दो क्रीम बबल्स के बीच में है, तो इसी तरह से हमें यहाँ लेना है। तो पहले हमने तीन फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम सिर्फ एक फंदा सीधा बुनेंगे, क्रीम कलर से बुनेंगे और एक फंदा सिर्फ सीधा बुनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब हमें फंदा उधेड़ना है। तो ये डार्क कलर है, हो सकता है आपको ये इसमें क्लियर ना दिखाई दे फंदा उधड़ता हुआ, लेकिन इसमें बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने क्रीम कलर में चार धागे उधेड़े थे। देखिए चारों उधेड़ दिए, अब पांचवें फंदे को सिलाई में लेंगे, इन चारों धागों को भी सिलाई के ऊपर ले लेंगे। और सिलाई में देखिए अब पांच धागे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, इन सबको सीधा बुन देंगे क्रीम कलर से ही। अब अगले तीन फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये देखिए फोर्थ फंदा आ गया, इसको फिर से उधेड़ना है, 1 2 3, और ये हमारा फोर्थ फंदा, फोर्थ धागा 4। इस फंदे को सिलाई में लेंगे और इन सब धागों को इसके ऊपर करके सीधा बुन देंगे। बिल्कुल सेम रो है, बस स्टार्टिंग में एक फंदा रखना है, क्रीम कलर में हमने तीन फंदे रखे थे। तो चलिए इसी तरह से करते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, चार धागे उधेड़ कर पांचवें फंदे को सिलाई में ले लेंगे और फिर इन चारों फंदों धागों को भी सिलाई के ऊपर लेके देखिए इस तरह से सीधा बुन देंगे। और बीच में जो गैप रहेगा वो तीन फंदों का ही रहेगा, तीन ही फंदे इसमें बीच में सीधे बुनने हैं जैसा कि क्रीम कलर में बुने थे। चलिए ये लास्ट रो है हमारे डिज़ाइन की, 12th रो है, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ये डिज़ाइन हमारा फिनिश हो जाएगा। इन 12 सिलाइयों को ही हमें रिपीट करना है डिज़ाइन बनाने के लिए और ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। ये देखिए ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई, 12th रो, और इसके बाद अब ये डिज़ाइन हमारा देखिए इस तरह से दिख रहा है। हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे और ये बबल्स हमारे दोनों कलर में बनते जाएंगे। आई होप ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपने वुलन प्रोजेक्ट्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ शेयर करें, जिससे और लोग भी इस डिज़ाइन को अपने वुलन प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाले जो डिज़ाइन हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।